पहली बार आया हूं और एक बहुत संजीदा मसले पे गुफ्तगू करने के लिए आपसे आया हूं। यहां मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में नौजवान साथी बैठे हुए हैं, ऐसे नौजवान जज्बाती साथी बैठे हैं जो सोशल मीडिया से लेकर के जमीन तक मुद्दों पर मसाइल पर लड़ते हैं, भिड़ते हैं, लिखते हैं। मैं उनके जज्बों को भी सलाम करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगले आने वाले 20-25 मिनट में जो सुनिए, आप सुनिए जो मैं कह रहा हूं, उस बात की संजीदगी को समझिए, फिर फैसला आप पर छोड़ूंगा। ये लड़ाई दरस बहुत बड़ी लड़ाई, मैंने कहा ना ये महज एक विधायक चुनने की लड़ाई नहीं है। अगर सिर्फ एक विधायक चुनने की लड़ाई होती तो बाखुदा मैं आपके बीच ना खड़ा होता, क्योंकि मेरा निशाना इतना छोटा नहीं होता, मेरा मकसद इतना छोटा नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे भाई, इस बार बटेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। इस बार आपके एक एक वोट की जो अहमियत है, शायद इससे पहले पिछले 50 सालों में भी इतनी अहमियत आपके एक एक वोट की ना रही हो। इसलिए इस बार एकजुटता बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार का चुनाव तय करेगा कि इस देश की गद्दी पर, पटना की गद्दी पर और दिल्ली की गद्दी पर, दोनों गद्दियों पर आने वाले वक्त में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान और मौलाना आजाद के देखे गए सपनों की ताबीर को मानने वाले लोग बैठेंगे, या गोडसे और सावरकर की विचारधारा को मानने वाले लोग बैठेंगे। ये वक्त उस चुनाव का है, इसलिए भी मैं आपके बीच में खड़ा होकर के आपसे कहने आया हूँ कि इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेंगे, आपकी दबाई गई एक एक बटन पटना की गद्दी के लिए एक ऐसा मुख्यमंत्री चुनेगी जो नौजवान है, जो बात करता है जात मजहब से उठ करके, जो बात करता है नौकरी की, जिसके एक अकेले हेलीकॉप्टर का पीछा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 200 हेलीकॉप्टर भेजे हैं, पूरे बिहार में उनके हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, नीतीश जी के हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं। मैं तो बाड़ा में खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी जी से कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, आज आपने 200 हेलीकॉप्टर भेजे हैं, अगर यही 200 हेलीकॉप्टर आपने लॉकडाउन में भेजा होता तो जो हजारों किलोमीटर चल करके बिहार के मजदूर पैदल आ रहे थे वापस घर आ गए होते। लेकिन उस वक्त तो नीतीश बाबू की बात याद है आपको, पटना में बैठ करके उन्होंने कहा था कि जहां हो वहीं रहना, बिहार में घुसने नहीं दूंगा। किसको कहा था? बिहार के उन अप्रवासी मजदूरों को जो दिल्ली से, गुजरात से भगाए जा रहे थे बसों के स्टेशनों पर, बस अड्डों पर, ट्रेनें बंद कर दी गई थी, तो बेचारे बस अड्डों पर इस तरह से अपने बच्चों को लेकर के, झोला लेकर के, साइकिल लेकर के परेशान होकर के खड़े थे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नीतीश जी ने जिस गुरूर में ये बात कही थी, नीतीश जी आप मुख्यमंत्री थे तो आपको घमंड था, लेकिन नहीं ना आज सही कल जरूर टूटेगा। गुरूर किसका रहा है? गुरूर टूटेगा, गुरूर तो टूटना ही है, क्योंकि गुरूर ऊपर वाले का आहार है, उसे ऊपर वाला खा जाता है। और ये 10 नवंबर जो आने वाली है वो नीतीश जी के गुरूर टूटने का वक्त है, वो दिन जो है उनके गुरूर के टूटने का दिन है। जो लॉकडाउन में जुल्म सितम हुए हैं, जब वोट देने जाएंगे आप कुछ दिनों बाद, ईवीएम की कतारों में खड़े होंगे, तो वो दिन किस बात का दिन है कि 15 सालों का बदला लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, मुझे बताइए। आपकी आवाज आनी चाहिए मेरे कानों तक और जानी चाहिए नीतीश कुमार जी के कानों तक, लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? 15 सालों का बदला लिया जाएगा, सब सवालों का बदला लिया जाएगा, चलते चलते जो थे पांव में पड़ गए, चलते चलते जो थे पांव में पड़ गए, सारे छालों का बदला लिया जाएगा। नीतीश बाबू देखना, तोड़ देंगे तुम्हारा भरम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम, तेरी इन लाठियों में है।
अब कितना दम, ये भी देखोगे तुम, ये भी देखेंगे हम। ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। मुझे पता चला कि मेरे आने से कुछ बड़े बड़े लोगों को बड़ी तकलीफें थी। मुझे वो एप्लीकेशन भी दिखाया गया जो मेरे खिलाफ भेजा गया था। हालांकि मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का स्टार कैंपेनर हूं, लेकिन जो एप्लीकेशन दिया गया उसमें ये बताया गया कि नहीं साहब, उनके खिलाफ तो एक मुकदमा कायम हुआ था। मैंने हाईकोर्ट भेजा अपने वकील को, और वो दो मिनट भी वो मुकदमा ना टिकना था ना टिक सकता था। लेकिन मैं तो ऐसी तमाम हुकूमतों से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम 100 बार मेरे खिलाफ इस जुर्म में FIR करोगे तो मैं 1000 बार ये पूछने के लिए तैयार हूँ, 1000 बार मुकदमे झेलने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने सिर्फ शायरी नहीं करी है, मैंने सिर्फ लफ्जों को नहीं बरता है, मैंने सिर्फ आपका दर्द नहीं गाया है। मेरे भाई, जब जरूरत पड़ी है तो मैं अपने इसी जोश और जुनून के साथ जमीन पर भी खड़ा रहा हूँ, अपनी नज़मों को पोस्टर बना करके आंदोलनों में भी खड़ा रहा हूँ। मैं खड़ा था मुंबई के आंदोलन में, लेकिन कहीं FIR नहीं हुआ। हुआ तो कहाँ हुआ? हैदराबाद में हुआ। और क्यों हुआ इसके बारे में जरा सोचिएगा कि मेरा गुनाह क्या था, सोचिएगा कि FIR किसके इशारे पे हुआ होगा, सोचिएगा। लेकिन मैं आज उस पर भी गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ। मेरी नई नस्लों, आप सोशल मीडिया पर बहुत लड़ते हैं, रहनुमाई की बातें करते हैं, मैं आपके जज्बे को सलाम कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा समझदारी बहुत जरूरी है। मैंने शुरू में एक शेर पढ़ा ना कि हर वफा जिंदा जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहनशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताज महल बनता है। ये जमहूरियत है, ये ऐसा निजाम है कि आप ये देखिए कि किसके इशारे पे कौन काम कर रहा है, कितने लाख रुपए में टिकट बिक रहा है, और कौन कौन लोग हैं जो JDU और भाजपा के इशारे पर ये चाहते हैं कि चीजें तकसीम हो। मैंने कहा ना, ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये लड़ाई एक विधायक चुनने की है ही नहीं। बाखुदा अगर ये सिर्फ एक विधायक चुनने की लड़ाई होती तो मैं आपके बीच में नहीं आता। ये सरकार चुनने की लड़ाई है, और सरकार का मतलब क्या होता है, सरकार का मतलब क्या होता है, सरकार के होने और ना होने का नफा और नुकसान क्या होता है, इसको हम उत्तर प्रदेश वालों से पूछो, हम बताएंगे उसका दर्द क्या है, हम बताएंगे उसके नफा नुकसानात क्या हैं। घर ढहाए जा रहे हैं लोगों के, हाथरस की बिटिया की लाश रात के 2 बजे बिना उसकी माँ बाप की इजाजत के चला दी जा रही है, और कोई पूछने वाला नहीं है। मैं ऐसे सूबे से आया हूँ जहां सरकार के होने का मतलब क्या होता है मैं ये जानता हूँ। भाजपा यही चाहती है। मैंने कहा ना, भाजपा नीतीश जी को निपटाना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि बिहार में उसका मुख्यमंत्री हो, उसकी सीटें ज्यादा आए। चिराग पासवान समर्थन कर ही देंगे, मजबूर होकर के नीतीश जी को भी समर्थन करना पड़ेगा, तब वो किसी गिरिराज सिंह को, किसी सुशील मोदी को बैठा दे, मुख्यमंत्री बना दे करके, और फिर वही यहां भी हो जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वो मत होने दीजिएगा। ये लड़ाई बड़ी है, आपका किसी से जुड़ाव है, आप किसी के साथ खड़े हैं, आप किसी से रिश्तेदारी है, ठीक है, लेकिन ये जो एक एक वोट है ना, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। मैं रात के 9:30 बजे आपके बीच में गला फाड़ते हुए आपसे अपना दामन फैला के इसलिए अपील कर रहा हूँ। सुबह 10 बजे निकलता हूँ बिहार में, दिन भर में 4-5 सभाएं करता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ, और यहाँ आना जरूरी था। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि इमरान भाई आपको आना पड़ेगा, इलहास भाई ने, ये मेरा साथी है, इसने बहुत मेहनत करी। उसके बाद मैंने कहा आना पड़ेगा तो रात में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता, 5 बजे के बाद हेलीकॉप्टर उड़ने की परमिशन नहीं होती। तो मैंने उन लोगों से कहा कि आप एक काम करना, मुझे गया एयरपोर्ट पे छोड़ देना, मैं वापसी कोशिश करूंगा कि बाय रोड चलाऊं, लेकिन बाड़ा जाना जरूरी है, वहां के लोगों से गुफ्तगू करना जरूरी है। मैं सिर्फ इसलिए वक्त और पसीना और अपनी परेशानियों के बीच आपके साथ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आऊंगा, मैं समझाऊंगा, तो हो सकता है कि वो मेरी नई नस्ल जब मैं उससे गुफ्तगू करूंगा तो वो मुझे जरूर समझेगी। हालांकि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है।
मुझे हैरत है कि यहाँ मैं आ रहा था तो जो एप्लीकेशन पड़ा है वो किसी अपने भाई ने ही दिया है, मैंने उस पर साइन देखी तो किसी अपने भाई का ही है, तो मुझे हैरत हुई। और वो जेडीयू से जुड़े हुए, आप मुझे अंदाजा लगाइए कि मैं ना आ सकूं, इसकी सबसे ज्यादा कोशिश कौन कर रहा है? जेडीयू का प्रत्याशी अपने लोगों को लगा के कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो जानता है कि जब इमरान प्रतापगढ़ी आएगा, लोगों को समझाएगा, तो जो 1000-2000 वोट बंटना भी होगा वो नहीं बंटेगा, और जब वो नहीं बंटेगा तो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये फासिस्ट ताकतें ये चाहती हैं, ये फासिस्ट ताकतें ये चाहती हैं कि किसी भी तरह से पटना की गद्दी उनके हाथों में आ जाए। आप बताइए कि आप होने देंगे? ये होने देंगे आप? मुझे बताइए, होने देंगे आप? ये कितने मुख्यमंत्री के प्रत्याशी इस समय घूम रहे हैं? एक नीतीश जी हैं, एक तेजस्वी जी हैं, कुछ लोग एक कुशवाहा जी को भी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और एक साहब तो हैं जो ये सोच के बैठे हैं कि हेलीकॉप्टर में बैठना है और 10 तारीख को शपथ ले लेना। मैं नाम ले लूंगा नहीं, आप जान जाएंगे मैं पप्पू जी की बात कर रहा हूँ। चार मुख्यमंत्री के प्रत्याशी घूम रहे हैं, अब मुझे बताइए आप किसे मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? आवाज नहीं आई मुझ पर, पटना तक पहुंचाइए इस आवाज को। किसे देखना चाहते हैं? किसे देखना चाहते हैं? अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं तो उसके लिए वोट किसको देना पड़ेगा? तो उनका घर का रिश्ता है, सुख दुख का रिश्ता है, तो ऐसे में अगर एक वोट भी बर्बाद होता है तो फायदा किसका होगा? बीजेपी का फायदा होगा, नीतीश का फायदा होगा। और आप चाहते हैं कि फासिस्ट ताकतों का फायदा हो? नहीं चाहते ना? नहीं चाहिए, बिल्कुल मत चाहिएगा। मेरी माएं बहने यहां बैठी हैं, सैकड़ों की तादाद में रात के इस वक्त यहाँ बैठी हैं। मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। पिछले आंदोलन में हिंदुस्तान भर की माओ बहनों ने जज्बा दिखाया है। सच बात यह है कि ये पूरा आंदोलन हमारी माओ बहनों का था, हमारा था ही नहीं। हम तो सिर्फ उनके पीछे खड़े थे, हम तो सिर्फ उनके साथ खड़े थे। असल आंदोलन तो हमारी माओ बहनों ने 90 साल की उस बूढ़ी माँ ने किया, बूढ़ी दादी ने किया, जो शाहीन बाग में बैठ के कहती थी कि नरेंद्र मोदी मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, आओ मुझसे बात करो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो डरना नहीं है, अब तो बात करनी है। अब तो 10 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, 9 तारीख को लालू जी की जमानत हो रही है, 9 को तेजस्वी जी का जन्मदिन भी है, और 10 तारीख को नतीजे आ रहे हैं। चूकिएगा मत, दिल्ली में बैठे हुए लोग बड़े खुराफाती हैं। अगर आपने कुछ इधर उधर फैसला कर दिया तो मुश्किल नहीं है कि वो कोशिश करें कि लालू जी को न छूटने दें। और बहुत सारे लोग ऐसे छोड़ दिए गए हैं आपके बीच में, जो आए और आपको बताएं कि नहीं, आप सेकुलरिज्म का बोझ ढोने के लिए आप ही थोड़ी हैं। मेरे भाई, इस मुल्क में मोहब्बत और सेकुलरिज्म बचाने की जिम्मेदारी है हमारी तुम्हारी, क्योंकि जो छोटा भाई होता है ना उसके कंधे पे कुछ जिम्मेदारियां ज्यादा बड़ी होती हैं, उस बड़ी जिम्मेदारी को निभाना भी पड़ता है। मैं एक नज्म सुनाता हूँ आपको, अला लेलान कहता हूँ दिल्ली से लेकर के पटना तक बैठे हुए लोगों को, के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, के मत समझना डराने से डर जाएंगे। सुरेंद्र जी आ गए क्या? आइए स्वागत करिए उनका, जोरदार तालियां बजा करके। आपके हरदिल अजीज विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद सुरेंद्र जी आ गए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। मत समझना डराने से डर जाएंगे, तैयार रहिएगा चौथे मिसरे के लिए। मत समझना
डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। के जो तेरी नफरतों का ये मज़मून है, इसमें स्याही नहीं खून ही खून है, इसमें स्याही नहीं खून ही खून है। चाय आ गई है बीच में, चाय वालों का बड़ा सम्मान करिए भाई, कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इनके चाय वाले लीजिए। के आपकी नफरतों का जो मज़मून है, उसमें स्याही नहीं खून ही खून है, पास हम सब के है पूरा यकीन है कि इस बार जब
इससे साबित होता है कि इस बार बिहार में तेजस्वी भी तय है, तय है, तय है। आखिर में इस मजमे को खत्म करते हुए बस ये मित्र में पढ़ता हूं, मुझे अच्छा लगा था जब चरण भाई उस आंदोलन के दौरान आपके साथ खड़े थे, शांति बाप के आंदोलन के लिए ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने देखा है पार्लियामेंट में भी लड़ते हुए छीन करके दिल फाड़ते हुए बड़े बहादुर आदमी है। और इनकी बहादुरी क्यों है, ये दिल्ली में भी पार्लियामेंट में भी क्यों लड़ गए थे, क्योंकि ये जानते हैं कि दिल्ली में बैठा हुआ कोई मेरा तब तक नहीं बिगाड़ सकता जब तक बाड़ा मेरे साथ खड़ा है। अब आप ऐसे में अगर आपने रत्ती भर भी पटने की कोशिश करी तो आप उस ताकत को कमजोर करेंगे जो आपकी ताकत है। मेरे भाई पर ये भी आपको जो मैं कह रहा हूं उसे आज जाना, जब सोने लगना तो रात की तन्हाई में सोचना कि एक 32 साल का 31 साल का लड़का आया था और उसने इस बात कही थी, बाड़ा वालों जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती है। वो सोचा है कुछ मसले ऐसे होंगे हो सकता है कि दिल में कोई छोटा सा दर्द लग रहा हो कि नहीं यार ये गलत हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब जब मकसद बड़ा हुआ तो कुर्बानी देनी पड़ती है, वो कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं इसलिए कुर्बानी देते हुए यहां खड़ा हूं, जानते हो क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आने वाले 10 साल बाद 15 साल बाद जब मेरे बच्चे पैदा हों तो हिंदुस्तान के इस माहौल में अपनी आंख न खोले, जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं मेरे बच्चों को न लड़नी पड़े, जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं आपके बच्चों को न लड़नी पड़े। मैं बहुत जज्बाती हो गया कि आपसे बात कर रहा हूं, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मंसूबे कितने खतरनाक हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उनके इरादे कितने खतरनाक हैं। मैंने उठाई है इसी भाषा उत्तर प्रदेश में आंदोलन में बैठे हुए बच्चों को जब आंदोलन में निकले हैं तो सीने में एक सीधे गोलियां मारी गई है। मैं शामिल था उस दिन भी जब हाथरस मीडिया से मिलने के लिए राहुल गांधी जी पैदल जा रहे थे, यमुना एक्सप्रेस वे पर मैं उनके साथ पैदल चल रहा था, और आप अंदाजा लगाइए ये पुलिस के बड़े अधिकारी ने राहुल जी को धक्का दिया तो राहुल जी को उठाने वालों में मैं उस वक्त खड़ा था, मैं उस दिन भी खड़ा था जब जब प्रियंका गांधी जी डीएनडी आयोग पर क्रॉस कर रही थी, मेरी बड़ी लगा के उन्हें रोका जा रहा था और एक कार्यकर्ता को पीटने लगी, पुलिस ने प्रियंका जी दूर करके उसके पास पहुंच गई और पुलिस ने उस अधिकारी ने उनका गिरेबान पकड़ लिया था। मैं उस वक्त भी वहां पर खड़ा था, लड़ाई बहुत बड़ी है, इस बड़ी लड़ाई में छोटी छोटी कुर्बानी तक देनी पड़ेगी, मैं भी दे रहा हूं और मैं तुम्हें भी पुकारता हूं कि तुम्हें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जज्बात एक तरफ रखो, दिमाग एक तरफ रखो, सियासत सिर्फ जज्बात से नहीं होती है, ये जमहूरियत है और इस जमहूरियत में अपने लोग आपको बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट करने वाले लोग हुकूमतों में कैसे जाएं, इसकी समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी। किसे पसंद करते हो उसके लिए सोशल मीडिया पर लिखते हो वो किनारे, लेकिन ये देखो तुम्हारे ओर से जीतने पहुंच जा रहा है, सरकार बनने जा रही है बिहार में, ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि महागठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है बिहार में और उस सरकार में हिस्सेदारी करता हो, उस सरकार में हिस्सेदारी करता हो ताकि 10 नवंबर के बाद तेजस्वी यादव शपथ ले मुख्यमंत्री पद की तो सीना चौड़ा करके कहोगे हमने बनाया है मुख्यमंत्री, हमने बनाया है, हमारे ओर से बने हैं मुख्यमंत्री। जब 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 सुरेंद्र बाबू खड़े हो मंत्री पद की शपथ में, देखो आपको और बहुत नसीब लोग, आपको विधायक नहीं चुनने जा रहे, आप किसी में मंत्री चुनोगे, आप मंत्री चुनोगे, इसलिए भूल चूक करने से काम नहीं चलेगा, भूल चूक करने से काम नहीं चलेगा। क्या हमने हुए
कार्यक्रम के दौरान नहीं आ सका, आज आया तो आ जाते हो, क्योंकि वक्त की पाबंदी आए तो बहुत बहुत सुना नहीं पा रहा। लेकिन ये मैं वादा कर रहा हूँ कि सुरेंद्र भाई भाई चुनाव जिताइए, बिहार में तेजस्वी यादव की कांग्रेस और जनता के गठबंधन की सरकार बनाइए और इनसे शपथ लेने के बाद वादा करता हूँ कि बड़ा फिर आऊंगा और जितनी देर होगा उतनी देर शायरी सुनाऊंगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ। और जाते जाते ये कह के जाता हूँ कि हरा ले लिए